एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्रीकास्ट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज बीवी का फेस हम लोग रिवील करने वाले हैं, जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से हम लोग को कमेंट कर रहे थे कि जल्दी फेस रिवील कीजिए, जल्दी दिखाइए, इतना लेट क्यों कर रहे हैं। लगभग 15-20 दिन हो गया, लेकिन अभी तक फेस आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे। हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे क्योंकि घर पर पूजा होता है, पूजा चढ़ता है, उसके बाद बेबी को नया कपड़ा पहनाया जाता है, मतलब बेबी को और उसकी मम्मी को नया कपड़ा पहनाया जाता है। उसके बाद ही हम लोग सोचे थे कि अच्छे से तैयार करके ही फेस रिवील करेंगे, लेकिन उसमें अभी 2-3 दिन और टाइम है। तो फिर क्यों इतना लेट करना। तो हम लोग सोचे दिखाई देते हैं फेस, बाकी जो होगा आगे तो फिर रेडी करके अच्छे से दिखाई देंगे आप लोग को। तो आज हम लोग वही ये वाला ब्लॉग 7 बजे आ जाएगा ऐसे आप लोग के पास। फिलहाल अभी हम डायरेक्ट बेबी का फेस नहीं दिखाएंगे क्योंकि बेबी अभी सो रहा है तो अच्छे से दिखाने में बनेगा नहीं। फिलहाल हम फोटो में अभी फेस दिखाएंगे, जो भी हॉस्पिटल का फर्स्ट फोटो था, सेकंड फोटो था, जो भी फोटो था, बहुत सारे हम लोग क्लिक किए थे, तो हाँ वीडियोस भी है, छोटे छोटे क्लिप, तो वो सब आप लोगों के साथ फिलहाल अभी शेयर कर रहे हैं। देखिए अभी तो वो थोड़ा बड़ा, मतलब बड़ा बड़ा लगता होगा, और उस टाइम का थोड़ा सा छोटा है, तो वो हाँ अभी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है पहले में, मतलब जब नया जन्म हुआ था तो उस टाइम थोड़ा सा अलग था, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है क्योंकि 15 दिन से 20 दिन हो चुका है, तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। और फिलहाल अभी हम फोटो सब दिखा देते हैं एक लाइन से आप लोगों को, फिर उसके बाद बेबी जब सो के उठ जाएगा अच्छा से तैयार वैयार थोड़ा बहुत करके फेस, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से दिखा देंगे। हाँ फिलहाल अभी मतलब आप लोग फोटो एंजॉय कीजिए। तो फोटो देखने से पहले आज बेबी के लिए फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले भी परचेस किए हैं लेकिन छोटा पैकेट परचेस किए थे, थोड़ा सा हमको कॉस्टली पड़ रहा था, थोड़ा महंगा पड़ रहा था, लेकिन ये बड़ा वाला मम्मी पापा पैंट्स ये फ्लिपकार्ट से परचेस किए, जो कि मतलब प्राइस भी सही है, और इसमें पैंट है आपका 64 जो कि स्मॉल साइज का है। मतलब न्यू बॉर्न बेबी का भी आता है, लेकिन वो वाला हम लिए नहीं क्योंकि स्मॉल लेंगे तो थोड़ा सा ढीला रहेगा, तो अच्छा रहेगा बेबी के लिए, रैशेस नहीं होगा मतलब साइड में, इसलिए बड़ा वाला ले लिए। और ऐसे छोटा वाला तो बहुत सारा खरीदे तो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था, इसलिए ये वाला। और आप लोग देख सकते हैं अभी लग रहा है कि बच्चे का घर है, तो मेरा रूम ऐसा नहीं रहता था, पूरा साफ रहता था, वहाँ यहाँ भी उधर कपड़ा सब पड़ा हुआ है, इधर सारा बच्चे का, और फिर उधर भी पड़ा हुआ है, इधर भी सामान सब पड़ा हुआ है, तो अब लग रहा है हाँ बच्चा का घर है। और भी हम लोग कुछ कुछ सामान बहुत सारा ऑर्डर किए हुए हैं, मतलब 4-5 सामान है, उसमें क्या क्या है। पहला तो है एक मतलब ये मच्छरदानी, ये वाला तो मच्छरदानी है ही, मतलब वो वाला क्या है कि छाता के टाइप का है, ठीक है, तो वहाँ पर बेबी मतलब कभी कभी सोता है वहाँ हॉल में, कभी पापा के रूम में सोता है, कभी आकाश के रूम में सोता है, तो वहाँ पे जरूरत पड़ता है, तो हम हर जगह ये वाला उठा के नहीं ले जा सकते, पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए छाता वाले एक ऑर्डर कर दिए, जो कि अच्छा रेंज में ही हम लोग को मिल गया, आएगा तो आप लोग को तो दिखाई दे देंगे वीडियो में। एक छाता ऑर्डर कर दिए थे, और एक बेबी का पैर का सॉक्स और हाथ का जो सॉक्स होता है वो वाला भी ऑर्डर किए थे, क्योंकि मतलब होता क्या है कि पैर बार बार खोल देता है, ये कुछ चीज़ से उड़ाते हैं ना तो फेंक देता है उसको, तो क्या होता है पैर ठंडा हो जाता है वैसे, तो पैर में लगा हुआ रहेगा तो थोड़ा पैर गर्म रहेगा, और हाथ को क्या होता है मुँह से मतलब चाटने लगता है, तो उससे भी थोड़ा सा सही होगा वो ना, इसलिए वाला भी ऑर्डर करके मंगा दिया, आएगा तो आप लोग को दिखा देंगे। और एक चीज़ क्या ऑर्डर दिए थे, हाँ वही मतलब ये बच्चा का जो दूध का बोतल है ये वाला, इसको मतलब पानी से धोते हैं तो उतना क्लीन नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत क्लीन होता है, तो एक ब्रश इसके लिए ऑर्डर किए थे, जो कि मतलब बहुत अच्छा है, नॉर्मल ब्रश से थोड़ा सा अलग है वो, तो मतलब उसमें 2-3 टाइप का दिया हुआ, एक सॉफ्ट है, एक मतलब हार्ड वाला है, उससे आप लोग साफ़ कर लीजिए, उसके बाद सॉफ्ट वाला से साफ़ कीजिए, वो भी आएगा तो आप लोग को दिखा देंगे, उसका भी क्वालिटी बहुत अच्छा, और सब आ जाएगा ना एक बार में आप लोग को दिखा देंगे, उसका लिंक भी आप लोग को दे देंगे, मतलब कम प्राइस में अच्छा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। इसका कवर बनाना होगा, किसका बोतल, इसका कवर, मतलब कहीं जाना आने से ना, अच्छा पिलाने के लिए, तो कवर रहेगा तो अच्छा रहेगा, हाँ तो देखना होगा इसमें विषय में। और हम लोग जो भी ऑर्डर कर रहे हैं उस सब हम लोग, हाँ वही बना देंगे, हम लोग जो कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं ये सब मीशो से ऑर्डर कर रहे हैं, उसमें क्योंकि है अच्छा रेंज में सामान भी ठीक मिल जाता है, अच्छा मिलता है। और ये जो ऑर्डर किए ये वाला मतलब हगीज़ जो ऑर्डर किए वो हम फ्लिपकार्ट से किए, उसमें भी फ्लिपकार्ट ग्रोसरी से किए, उसमें भी वो सही रेट दे रहा था, तो प्राइस देख के करना पड़ता है क्योंकि खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा है इसी वजह से।
तो फिलहाल अभी बेबी का फोटो आप लोग देखिए, उसके बाद सामने बेबी का फेस रिवील करेंगे। ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। हे गाइस, तो बाबू का जब जन्म हुआ था तब उस टाइम का ये वाला फ़ोटो है जो एक नर्स क्लिक की थी, और यहाँ पे मुझे बाहर लेकर आया गया। तब फर्स्ट टाइम मैं बाबू को देखी थी और फर्स्ट टाइम मेरे साथ बाबू का फ़ोटो हुआ था। नर्स लोग बहुत अच्छी थी, वो लोगों ने खिंचवा दिया था फ़ोटो। और यहाँ पे दूसरा फ़ोटो बाबू के साथ, और ये बाबू का उसी दिन का फ़ोटो है 25 अप्रैल का, देख सकते हैं आप लोग। और इस टाइम यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम बाबू को अपने गोद में ली थी, क्योंकि बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये मिस्टर भगत फर्स्ट टाइम बाबू को गोद में लिए थे और यहाँ पे बाबू को खिला रहे थे हम लोग। तो ये एक दो दिन के बाद का वीडियो होगा, बाबू के जन्म के 2 दिन बाद का। तो उस टाइम बाबू ऐसा दिखता था कुछ, आप लोग देख सकते थे। थोड़ा बाबू का आँख यहाँ पे पीला पीला लगेगा, क्योंकि बाबू को थोड़ा जॉन्डिस हो गया था उस टाइम पे, इसीलिए। अभी तो फेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ऐसा तो होगा ही है, अभी बहुत बार फेस चेंज होगा, पता नहीं चलेगा कुछ भी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे खेल रहा है, और यहाँ पे भी बहुत शांत था तो यहाँ पे खेल रहा था। हम लोगों ने वीडियो बना के रख लिया हुआ था। हमेशा अलग अलग फेस लगता है दिखने में, तो आप लोग कमेंट बताना हमारा बेबी कैसा है, और हमारे बेबी को बहुत सारा ब्लेसिंग देना आप लोग। और ये भी वीडियो है बाबू के बर्थ जन्म के 1 दिन बाद का, ये 26 अप्रैल का वीडियो है ना, ना, ना। तो बाबू यहाँ पे, तो ये सब है क्यूट क्यूट मोमेंट जो हम लोगों ने कैद करके रखा हुआ है बाबू का। मैं तो ऑपरेशन के बाद 2 दिन ऊपर में ही थी, तो मैं तो बाबू को गोद में ले नहीं पाई थी। 2 दिन बाद बाबू को गोद में मैं ली थी, और मुझे बहुत ये हो गया कि फ़ोटो और ज़्यादा होना चाहिए था। जिस दिन बाबू का जन्म हुआ था तो ये भी बहुत धड़पड़ में थे, जल्दी में, तो फ़ोटो भी नहीं बाबू का मतलब हम लोग क्लिक कर पाए थे सही से, क्योंकि मेरे पास भी आ रहे थे बार बार, मुझे भी देख रहे थे, बाबू को देख रहे थे, फिर बाहर जाते तो थे। आप लोगों ने फ़ोटो में देख ही लिया कि मतलब फेस क्या, मतलब फेस हम लोग उसमें रिवील कर दिए हैं। आप सामने से रिवील करेंगे, क्योंकि अभी सो के उठा है थोड़ी देर पहले, तो और अभी मम्मी के पास है, तो अभी हम लोग को दिखाते हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। फाइनली भी बाबू का फेस रिवील होने वाला है, नेक्स्ट फुटेज उसका फेस का रहेगा। और ये रहा फेस, तो राधे राधे बोल राधे राधे, हरे कृष्णा, एक कैमरा में ही देख रहा है राधे राधे। हमारा बेबी सामने से कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फोन में तो बहुत मतलब बड़ा बड़ा लिया। हाँ, अरे मम्मी के पास है, अभी खेल रहा है मम्मी के पास। ओ कितना बड़ा बड़ा कर रहा है, यहाँ पे बाल लगा हुआ है। हाँ खेल रहा है, अभी थोड़ा देर पहले ही सो के उठा, इसलिए थोड़ा भक्कू है थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, खेलेगा तो। बाबू बाबू बाबू, हाय करो हाय करो हाय करो हाय करो हाय करो हाय करो। अब किसी का नहीं सुनेगा, अभी किसी का नहीं सुनेगा, सो के उठा गुस्सा में, अभी हम लोग जबरदस्ती उठा दिए इसलिए गुस्सा आ रहा है, पूरा मुँह लाल पीला कर रहा है। बाय 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 बाबू, बाय बाय। तो फाइनली बेबी का फेस रिवील हो गया, जो कि आप लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा बेबी कैसा है, किस पे गया है, मतलब अभी तो नहीं समझ में आएगा, फिर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा बेबी किस पे, मम्मी पे गया है कि पापा पे गया है। तो फिर नींद आ रहा है, सोएगा तो दादी के साथ खेल रहा है। बाबू बाबू देखिए कैमरा में ही देखता है, ये भी बनेगा ब्लॉगर अभी से मोबाइल का आदत नहीं लगा रहा है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा है हमारा बेबी, और बहुत सारे आप ब्लेसिंग दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ताकि हमेशा अच्छे से रहे। ये फेस रिवील का कारण ही हम लोग का बहुत सारे वीडियो नहीं आ पा रहा था, इसलिए फाइनली हम लोग आज फेस रिवील कर दिए। अब हमारा डेली व्लॉग आएगा, एक दिन मिस नहीं होगा, बीच में एक दिन मिस हो गया था थोड़ा सा इसी वजह से, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, डेली व्लॉग आएगा ना,
ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। हाँ। कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय, और आप लोग कमेंट बताना हमारा बेबी कैसा है, जैसा भी हमारे बेबी है। बाय बाय।